अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक बहुत ज़्यादा। और अभी जो है ना, मैंने मेरी न्यू ड्रेस पहन ली है। ये मैंने ली थी ईद पे और इस पर पूरा काम किया हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ऐसे नीचे करके तो इस पर पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का काम किया हुआ है। ये वो डिजिटल प्रिंट नहीं है, कुछ इस तरीके की ड्रेस है। थोड़ा सा और दूर जाके दिखाओ ना, कैसी एंगल आ रही है ये। तो गाइस, ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। कमेंट्स बताना कैसी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे लग रहा था कि शायद कंफर्टेबल नहीं होगी, तो पहना ही नहीं। लेकिन आज जुम्मा तो इसलिए सोचा जुम्मे के दिन शलवार कमीज अच्छे से पहनते हैं। और ये वाला रिसेंटली जो अम्मी ने स्कर्फ दिलवाया था वो है, तो मैं जो है ना वो रेडी हो चुकी हूँ। अम्मी पापा के पास चलते हैं। मैगी स्टॉप। हेलो आर्यन, गुड मॉर्निंग। आई अल्लाह मैगी, तुम क्या कर रहे हो? इमोन नमाज पढ़ के आ गए बाबा के साथ मस्जिद में। कीचड़ था बहुत। हर जगह कीचड़ यार। मैंने तो सोचा है कि अभी जाएंगे हम लोग बाहर। घर में जाएंगे ना, इधर तो मस्जिद पास था। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हमारे घर के बाहर कीचड़ है, क्या उतर सकते हैं? काफी कीचड़ है। मैं देखा कितना न्यू ड्रेस पहना है, कैसी लग रही है बोलो तो। हाँ, ये मैंने ईद के टाइम ली थी गाइस, पहना नहीं था। ये पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस मिलते हैं, लेकिन जब जब मैं लूंगी तो आप लोग देखोगे। हाँ यार, ये क्या बोल रहा है? आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या आप लोगों ने ये ड्रेस कभी देखी है? इमान क्या बोल दिया? सुनो, अम्मी बाबा को मैंने सोचा है कि अभी बिरयानी, बांग्लादेशी ऑथेंटिक बिरयानी कहाँ मिलेगी बोला। हाँ अच्छा, जो तो फेमस है जो उसमें। ऐसा है, अभी बोल लो कौन से में जाओगे? मुझे लगता है हम सुल्तान टाइम्स में। सुल्तान टाइम्स में पता है रास्ता कौन सा है? इधर ही है, क्योंकि वो ब्रांचेस होते हैं ना, कौन से ब्रांच में जाओगे? इधर ही है। पैदल जाएंगे? ना ना, गाड़ी में जाएंगे। तो चलो अम्मी वालों को देख के आते हैं क्या हाल है वाले, फिर आर्यन को रेडी करते हैं, फिर निकलते हैं। गाइस, आर्यन जो है वो जुम्मे के दिन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह। यू आर, हटो हटो हटो। How I wonder what you are? शुरू से Rain, rain, go away. Little Aryan wants to play. ये क्या बोला? इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने, देखो ना क्या बने हुए, वेस्पा बने हुए, माशाल्लाह से। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अम्मी के रूम में। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? जुम्मा मुबारक। आपका भी जुम्मा मुबारक हो अम्मी। हाँ पढ़ ली। हमने अभी अम्मी को कहाँ लेके जाएंगे पता है? बिरयानी खिलाने। अम्मी तो माशाल्लाह से अच्छा मेकअप किया है, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। आपने बोला ना, घूमने तो तैयार हो। अच्छा बैठे। हाँ। तो अम्मी को आज हम ना बांग्लादेश की जो फेमस बिरयानी है, क्या नाम था, सुल्तान डाइन, उधर लेके जा रहे हैं। वैसे हम घर पे बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा आज बाहर जाएंगे। सादिया ने बोला आज बाहर जाके खाएंगे। हाँ, तो आज बाहर जाएंगे, बाबा आए, बाबा से मिलाते हैं और फिर चलते हैं। मैं ये चुप चुप के क्या खा रहे हो? चुप चुप के जब तक जाए। मेरी बड़ी बहन है ना राबिया, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। राबिया देखेगी तो अम्मी बोलेगी मुझे भी दो। चलो, अम्मी ने मेरे लिए निकाला है। कहाँ खाओ? लोग बोलते हैं बलोची भी बोलो। हाँ। बाबा है, बाबा से बोलेंगे। हाँ। बलोची में सलाम करा, ठीक है? सही असल में हमारे यहाँ ना बहुत लैंग्वेज है। तुम अपने बाप से बोला करो ना बलोची। बलोची हमने बचपन में ना इतनी बोली नहीं, तो थोड़ा मुश्किल होता है बोलना। लेकिन अगर मैं मेरे फादर के साथ थोड़ा बोलना शुरू कर दूँ ना, तो मैं सीख जाऊंगी। सही है। हाँ। तो मेरे बाबा है, बाबा से चलो बलोची में बात करते हैं। आ जाए बाथरूम, बाथरूम गए, रेडी हो रहे हैं, जल्दी से आ जाए, फिर बलोची में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। छियाले है रे, है रस्ते। इमोन है, क्या बोलते है बलोची में? इमोन के साथ बलोची में बोले क्या बोलते बाबा? इमोन बोलो हेरे हेरे। चलो हेरे हेरे। हाँ, जुम्मा मुबारक हो भी। आमीन आमीन। हाँ आम मैं ठोका खड़ी है। चलो कंफ्यूज हो गई, बलोची निकल ही नहीं रही मुंह से। बलोची बंगला अम्मी, सारी लैंग्वेज मिक्स हो गए। हेलो नानी का हाथ पकड़ो। हाँ अम्मी लाइट बंद कर दे। चलो चलो, मम्मी को हाथ दो, मम्मी को हाथ दो।
आ जाओ माशाल्लाह लाइटे पहन के जा रहा है। गाइस हम लोग बिरयानी के लिए गए लेकिन किसी रीजन से बिरयानी की दुकान तक नहीं जा पाए तो इसलिए हम लोग कबाब फैक्ट्री आ गए। अम्मी मजा आएगा इधर, अम्मी को आज पाकिस्तानी खाना खिलाएंगे। इमोन और बाबा जो है ना मेन्यू सिलेक्ट करे, बाबा इधर सारे पाकिस्तानी खाने होंगे। बोलो नानी, आ बोलो 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 नानी, जा नानी के साथ खेलो। हाँ गाजर का हलवा लेकिन गाजर का हलवा नहीं होगा, अभी सीजन ही नहीं है गाजर का, सीजन में होगा ना गाजर का हलवा, सीजन मेले ही बहुत होता है। गाइस हल्का फुल्का से जो है ना वो ऑर्डर कर दिया, अम्मी वाले को कबाब अच्छे लगते हैं ना अम्मी? हाँ कबाब, कबाब नान वगैरह कुछ ऐसे, बिरयानी ऑर्डर नहीं की। बिरयानी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खिलाएंगे अम्मी वालों को, बांग्लादेशी बिरयानी। इधर भी बिरयानी है लेकिन बांग्लादेशी बिरयानी खिलाएंगे। क्या देख रही है बाहर? पपीता। रेस्टोरेंट में आके क्या देख रही है अम्मी? पपीता। मैं दूर से कह रही हूँ तो बड़े बड़े आम मेरे को पीले पीले येलो येलो कलर के पत्तों में ना। आर्यन गिर जाओगे, पाँव में चोट लगेगी बेथ बाबा, सुनते ही नहीं लड़का। पूरा रेस्टोरेंट गाइस खाली है, दिन दिन के टाइम हम लोग आए हैं, मजे का टाइम है, जुम्मे का टाइम, अम्मी खाली रेस्टोरेंट, मजा प्राइवेसी। मैंने असल में अम्मी वालों के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है, आपके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है हमने। नहीं मजाक कर रही हूँ, खाली है क्योंकि दिन का टाइम है, लोग आएंगे शायद शाम को। अच्छा है, नानी का हाथ पकड़ के कहाँ जा रहा है अकेला अकेला? आर्यन नानी का हाथ पकड़ के, अरे ईमान चला गया मम्मी को छोड़ के भी, बाबा नानी के साथ चला गया, चला गया चला गया, वो देखो कोई नहीं घुमा रहा तो नानी को पकड़ के। कहाँ जा रहा है नानी के साथ? नानी घुमाएगी ना पता, फिर लेके जा रहा है, देख रहा है। जाए जाए जाए, घूम के आए घूम के आए। तो गाइज़ ये हमारे कबाब शबाब आ गए हैं और मज़ेदार लग रहे हैं। अम्मी और बाबा को ना ये वाली चीज़ें काफ़ी पसंद होती है तो इसलिए सोचा कि चलो इधर आ जाते हैं। सोचा था बिरयानी के लिए जाएंगे लेकिन किसी रीज़न से उधर नहीं जा पाए, निकले थे उधर ही जाने के लिए। तो एनी वेज इंजॉय। रेशमी चिकन, रेशमी चिकन और अफगानी सीख का फ्रेंड्स, ये वाला कबाब मैंने खाया, काफी टेस्टी लगा। अम्मी बाबा कैसा लगा खाना? अच्छा लगा ना, इधर का खाना बहुत मजे का है, गरम गरम नान भी बहुत फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे। ये अम्मी बाबा की कोल्ड ड्रिंक है और क्योंकि मेरी मन नहीं पियेंगे। इमन अच्छा लगा आज ना? अच्छा है, टेस्टी माशाल्लाह। जुम्मे के दिन अम्मी बोलती है कुछ अच्छा ही खाओ तो इसलिए हम जुम्मे के दिन निकल आए है। नानी नानी क्या करो मस्ती, इसको खाना पीना सब खत्म। सादिया बस खा रहा है एंड में क्योंकि सादिया को आर्यन के साथ और वक्त करना पड़ता है, इसलिए है ना सादिया? स्पाइसी चिकन वाला ज्यादा स्पाइसी हो गया। स्पाइसी नहीं था लेकिन सॉस स्पाइसी था, अरे मजे लगा, बहुत ही टेस्टी, आंटी को अच्छा लगा, फिर से आना पड़ेगा। दोनों दोनों मम्मी पापा को अच्छा लगा बस, और क्या चाहिए ना, इंपॉर्टेंट गरम गरम था, गरम गरम फ्रेश फ्रेश। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं, ये हमारा हो रहा है खाना। आर्यन कर रहा है उधर तंग, आर्यन तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें टोस्ट दिया तो है, तुम्हारी चाय संभाल गई मोन, बच्चे जो है ना चाय में हाथ डालते हैं। वो मेरा भाई बैठा हुआ है, अम्मी खा रही है टोस्ट। अम्मी वैसे ही टोस्ट है जैसे हमारे पाकिस्तान में होते, वैसे ही ना? चलो अच्छा बाबा वैसे ही टोस्ट है। बाबा सबसे हेल्दी चाय पी रहे हैं, कौन सी चाय बाबा? ग्रीन टी, ग्रीन टी। बाबा रो रो के पी रहे हैं ग्रीन टी, हम जबरदस्ती आपको हेल्दी चाय पियेंगे क्योंकि दूध वाली चाय भी इतनी अच्छी नहीं होती है ना, तो ग्रीन टी पियेंगे बाबा अच्छे से। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं आर्यन के लिए, क्या कर रहा है आर्यन, क्या कर रहे हैं आर्यन के लिए? बना रही हूँ नट्स ओट बनाना बिस्किट। ये आर्यन के लिए बना, आर्यन खाओगे? गाइस फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसलिए रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज थी कैसे बनना है कैसे बनना है, लेकिन अभी जो है ना बेक करके देखूंगी अच्छा बना कि नहीं। नो आर्यन, नो 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 नो, अच्छा बना कि नहीं, अगर अच्छा बना है तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रेसिपी शेयर करेंगे। आर्यन को नानी ने आके अटैक कर पकड़ा, चीजें गिरा रहा है वो, तेल वेल क्या क्या बना रही है। अम्मी बना रही है क्या? अम्मी आलू पुलाव दिखा के आऊ, ये देखो इसकी चेयर भी इधर आ गई मस्ती करते करते।
तो ये रहे आलू पुलाव। वाह 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 वाह। तो वैसे जो है ना कुकीज से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने 15 मिनट तक रखा और मैंने अपनी बहन जो है ना उससे रेसिपी ली थी। तो अभी फ़ोन पे रेसिपी दूसरी चीज़ होती है ना, तो अभी यूट्यूब से देख के बनाना दूसरी चीज़ होती है, देख सकते हो। लेकिन फ़ोन पे रेसिपी होती है ऑडियो टाइप। तो फिर अभी कैसा बना है आई डोंट नो, लेकिन खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और टाइम भी हो गया है। चलो देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अभी जो है ना इसको ठंड में रखना है, तो इसको ना ओवन को कर देते हैं बंद और इसको ले जाते हैं। ये पहन लिया है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। किसी काम का नहीं है, हैं? किसी काम का नहीं हो तुम, फालतू क्यों हो क्या? इतना हाथ में दर्द हुआ मुझे, गर्म है बहुत। देखूं? नहीं यार, वाकई में गर्म है, मैं किसी और चीज़ से उठाती हूँ। गाइस ये रहे फाइनल बिस्किट, जो कि अभी काफ़ी गर्म है, और ओट वाले ना, जैसे ओट में टेक्सचर है ओट का, और ये वाली जो है ना हमारी देसी चीज़ें, इससे काम किया मैंने और अच्छे से उठ गया। अभी जो है ना एक उठा के देखूँ कैसा है। वाओ, कलर इज़ नॉट बैड। आर्यन को आज टेस्ट कराएंगे कैसा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मक्खन शक्खन डले हुए। क्या हो गया मैगी को? इनके कुकीज़ इनके साथ साथ ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे लगा कि एडल्ट कुकी भी बनानी चाहिए हम लोगों की, इसमें तो चीनी नहीं है। तो पता नहीं क्यों मैंने इसको तो ओट ग्राइंड करके डाला था, लेकिन इधर मैंने ओट्स को पूरा पूरा डाला है और इसको खजूर के साथ बनाया है, बहुत थोड़ी चीनी दे के, बेकिंग सोडा दे के। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। पता नहीं क्यों मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि हम लोगों के लिए भी कुछ बनाऊं। इसमें अंडा भी डाला है, उसमें नहीं डाला। तो अभी ना ये वाला जस्ट ट्राई करते हैं, लेट्स सी। कुकी जो है ना उसका शेप काफ़ी अच्छा आया है और खुशबू भी आई है, वनीला पाउडर भी डाला है इसमें। तो चलो इसको बेक करते हैं। हमारे ओट्स कुकी, और ये देखो गाइस कलर, आई जल गया क्या? जला नीचे से क्या हो गया? नहीं जला नहीं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर तक खुशबू जा रही है। अभी टेस्ट करके बताओ, छोटा एक लो और टेस्ट करके बताओ, रियल रिव्यू देना, कोई झूठ वूट नहीं। बहुत टेस्टी है। कैसा हुआ है? बहुत ही टेस्टी है। इमोन मैंने हमारे लिए जो बनाया ना उसमें खजूरें डाली है इसमें? हाँ, और इसमें इसमें थोड़ी सी चीनी, बहुत कम, और खजूरें क्योंकि मीठी थी और ज्यादा, और इतने बड़े बड़े वाले खजूर नहीं है, अफगानी खजूर वो दिए, और आर्यन के में बिल्कुल चीनी नहीं है, बनाना दिया है, तो दोनों डिफरेंट है इसलिए। और आर्यन वाला जो है ना इमोन मैंने ग्राइंड करके दिया है, तो ओट्स हो सकता था, मेरा फर्स्ट टाइम ही, मुझे खुद पता नहीं था क्या कर रही हूँ, और कर सकती हूँ पतला, हार्ड हो गया, पहले नरम था। छोटे छोटे गोल गोल, पतला करने से क्रैक हो जाएगा। ओह हाँ, क्रैक हो सकता है। दिखा अंदर से कैसा हुआ है, अंदर से देखूं? हाँ ठीक है, तो पक गया, तो और थोड़ा सा आटा और ओट्स, अच्छा हुआ है ना। कोरिया में मिलते थे ओट्स कुकी, मोन इतने महंगे मिलते थे। हाँ ओट्स क्योंकि एक्सपेंसिव ही होता है ना, तो कुकी तो और ही एक्सपेंसिव। ओवर शुगर होता है, ओवर शुगर। मैंने बहुत कम शुगर डाली है, और इसमें ना बस थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाला है, और बाकी जो चीज़ें वनीला पाउडर वगैरह, ये। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा प्यारा जो दिन है वो ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।